वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन बेस्ट मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स। तो अभी जो सेबी की कैटेगराइजेशन में है, इसमें मिड कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी दो ऐसी कैटेगरी है जो बाय एंड लार्ज एवरग्रीन रही हैं और उनका समय आता जाता रहा। ओवरऑल बेसिस पे अगर देखते हैं, एक लंबे समय में देखते हैं, 7 साल 10 साल के पीरियड में, तो ये ही फंड निकल के आते हैं जो सबसे ज़्यादा रिटर्न देते हैं। लेकिन क्या है कि इनमें रिस्क ज़्यादा होता है, रिस्क माने वॉलेटिलिटी ज़्यादा होता है। अब खासतौर से जब सेबी ने एक नया कैटेगरी लॉन्च किया है रिस्कोमीटर के अंदर में, जिसको कहते हैं वेरी हाई रिस्क। तो वेरी हाई रिस्क सभी इक्विटी फंड में है और स्मॉल एंड मिड कैप फंड जो है वो वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं सेबी की कैटेगराइजेशन से। तो इसका इम्प्लीकेशंस क्या है निवेशक के ऊपर, क्या उससे डरना चाहिए या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और सेबी के इसमें क्या प्रोविजन है और किस प्रकार से मिड एंड स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो के लिए बहुत अच्छे साबित हुए हैं सालों साल, पिछले 10 साल की जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में भी चर्चा इस वीडियो में की जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज एंड पब्लिक डोमेन एंड पब्लिश्ड इन गुड फेथ। व्यूअर इन देयर ओन इंटरेस्ट मे लाइक टू क्रॉस चेक एंड वेरीफाई इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंसर्न्ड सोर्स बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल कमिटमेंट। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर कमिटिंग एनी मनी। तो जब हम मिड एंड स्मॉल कैप की चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले जो सेबी ने कैटेगराइजेशन किया 6 अक्टूबर 2017 को, जिसमें जो सारे फंड हैं उनको 5 मेजर कैटेगरी में डिवाइड किया गया, और उनमें सबसे पहला कैटेगरी था इक्विटी, डेट, हाइब्रिड, सॉल्यूशन, अदर्स। और इक्विटी के अंदर में 10 कैटेगरी थी, जिनमें एक कैटेगरी होती थी मल्टी कैप। मल्टी कैप में काफ़ी परेशानियों का सामना जो है सेबी ने किया, क्योंकि म्यूचुअल फंड जो है उसमें थोड़ा जो रेगुलेशंस में लूप होल देखा और उसका वो फायदा उठाकर मल्टी कैप फंड को मल्टी कैप की तरह से नहीं चला के लार्ज कैप या स्मॉल कैप किसी भी तरीके से वो चल रहे थे। उनके लिए नया रेगुलेशन निकाला 11 सितंबर 2020 को। उसके बाद जो है फंड हाउस ने रिप्रेजेंट किया, तो सेबी ने एक नया कैटेगरी 6 नवंबर 2020 को लॉन्च किया, जिसको बोला गया, जिसका नाम है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। तो इस फ्लेक्सी कैप कैटेगरी आने के बाद कई सारे मल्टी कैप फंड जो है फ्लेक्सी कैप में कन्वर्ट हो गए, और अब उन फंड हाउस में मल्टी कैप कैटेगरी फंड अभी है नहीं, हो सकता बाद में वो फिर से लॉन्च हो जाए। तो ये जो इसके पहले जो भी था, जो कैटेगराइजेशन था वो रैंडम कैटेगराइजेशन था, और कोई भी फंड तरह तरह के प्रकार के और एक प्रकार की कैटेगरी में थोड़े थोड़े वेरिएंट नाम अलग अलग रख के जो फंड चलाते थे, तो निवेशक को काफ़ी परेशानी होती थी। लेकिन अभी जो 11 क्लियर कट कैटेगरी है उनमें उतना परेशानी नहीं है, मगर इनके अलावा जो थीमेटिक फंड है और सेक्टोरल फंड है, इनमें जो फंड हाउस को दी गई है सुविधा फंड लॉन्च करने की, उसमें फंड हाउस जो है काफ़ी तरह तरह के जिसमें फंड लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें निवेशक को समझने में काफ़ी परेशानी होती है, एक्सपर्ट लोगों को भी थोड़ा सा उसको ध्यान देने की जरूरत पड़ती है। और उसके अलावा जो ये है अदर स्कीम है, जिसमें है ETF है, FOF है, उनमें भी बहुत सारे नए फंड अभी लॉन्च होने में आए हैं। तो उनमें निवेश करने के पहले बहुत कुछ आपको फंड को समझना होगा, और वो किस तरह से बेंचमार्क होगा उसका, और किस तरह से उसका कंपैरिजन होगा, परफॉर्मेंस होगा, उनकी हिस्ट्री क्या है परफॉर्मेंस की, तो और बाकी किस तरह से उसमें आम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग निवेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सब देखने के बाद ही। तो वो सब चीज़ को, कॉम्प्लेक्सिटी को एक तरफ रखते हुए हमारा फोकस जाता है कि जो सिंपल कैटेगरी है स्मॉल कैप एंड मिड कैप कैटेगरी। अभी पिछले 2 साल में काफ़ी आपने सुनने में आया होगा कि लार्ज कैप में पैसा लगाइए, लार्ज या मिड कैप में लगाइए, मल्टी कैप में लगाइए। पिछले जो है 2018, 19 और 20 में उन्हीं का बोलबाला रहा, और अभी जो 2020 के जाते जाते जो है आपने देखा होगा कि मिड कैप फंड और स्मॉल कैप फंड वापस जो है मैदान में शान के साथ जो आ गए। तो इनकी जो डेफिनेशन दी हुई 11 प्रकार के इक्विटी फंड की डेफिनेशन इस स्लाइड में दी हुई है, जिसमें कुछ है नहीं नया रिपीट करने के लिए, बाकी पुराने वीडियो में हमने इसको चर्चा किया हुआ है। तरह तरह के फंड के बारे में अलग अलग तरह के वीडियो भी हमने पब्लिश किए हुए हैं। तो इनमें एक एडवांटेज बहुत बड़ा ये रहता है कि अगर आप मिड कैप या स्मॉल कैप में निवेश करते हैं, तो उनका क्लियर कट जो है आपको होता है, ज़्यादा लोग उनमें निवेश करते हैं। मिड कैप में जो है 26 फंड हाउस के पास जो है एज ऑन 31 दिसंबर 2020 26 फंड हाउस के पास मिड कैप फंड हैं और 24 फंड हाउस के पास स्मॉल कैप फंड है, सभी के पास नहीं है। और जो है इनमें पैसा कितना है जो दिसंबर नेट AUM एज ऑन 31 दिसंबर मिड कैप कैटेगरी में 1,04,000 करोड़ और स्मॉल कैप फंड में 60,000 करोड़ इस तरह का है। लार्ज कैप मल्टी कैप में ज़्यादा है, 9 लाख करोड़ में ये अमाउंट जो इधर है। तो बहुत सबसे बड़ा नहीं है, मगर साइजेबल अमाउंट जो है इनमें निवेश होता है। तो आमतौर पर
लोग इसमें निवेश करते हैं, क्योंकि इनमें कॉन्फिडेंस और थोड़ी क्लैरिटी, ट्रांसपेरेंसी, इस तरह की चीजें देखने को मिलती है, जिससे परफॉर्मेंस आप मेजर कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो ये दूसरी एक जो बड़ी बात जो देखने में आती है, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड ही ऐसे फंड है जो अपने बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म किए। यहाँ पे आप कैटेगरी देखेंगे, लार्ज कैप में, लार्ज कैप में कैटेगरी एवरेज जो है वो बेंचमार्क से नीचे है, और आप लार्ज एंड मिड कैप में देखेंगे कैटेगरी एवरेज बेंचमार्क से नीचे है। और जो इन जनरल बेंचमार्क जो होती है, मल्टी कैप फंड भी जो है कैटेगरी एवरेज बेंचमार्क से नीचे है। लेकिन ये अगर यहाँ पे आएंगे मिड कैप 5 साल में आएंगे तो कैटेगरी एवरेज बेंचमार्क के आसपास है, और अगर 10 साल में जाएंगे तो कैटेगरी एवरेज बेंचमार्क से ऊपर है। यहाँ भी थोड़ा ऊपर है, यहाँ कुछ बिल्कुल बराबर है, और यहाँ भी बराबर है, यहाँ ऊपर है और यहाँ काफी ऊपर है स्मॉल कैप में। तो ये आपको एडवांटेज मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में वो बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहे हैं, अल्फा जनरेट करके आपको दे रहे हैं। फंड हाउस का इसमें कुछ है नहीं, SBI म्यूचुअल फंड बड़ा फंड हाउस है, और उसके अलावा जो बड़े फंड हाउस है HDFC, ICICI है, फिर निप्पन है, अभी कोटक महिंद्रा भी 2 लाख करोड़ के ऊपर चली गई, आदित्य बिड़ला 2 लाख करोड़ के ऊपर, वाले 3 हो गए। और ये जो है टोटल AUM एज ऑन 31 दिसंबर 2021 27,71,000 करोड़ जो है रिपोर्ट किया गया। तो नया रिस्को मीटर में क्या है वो इसमें जाननी है। जो सेबी का एक सर्कुलर था पहले 18 मार्च 2013 का और 30 अप्रैल 2013 का, जिसमें प्रोडक्ट लेबलिंग के बारे में बात किया गया था। उसके बाद जो है सेबी को म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशन दिया, तो उसमें क्या था कि 5 कैटेगरी खुद को रिस्क में कैटेगराइज किया गया था, और जो एक डिपिक्टिंग मतलब पिक्टोग्राफिक उसका डिपिक्शन किया जाता था, जिसको हम बोलते थे रिस्को मीटर। तो रिस्को मीटर में 5 कैटेगरी पहले होती थी, अभी इसमें 6 कैटेगरी जो इंट्रोड्यूस किया गया है। तो वो कैटेगरी थी लो रिस्क, लो टू मॉडरेट, मॉडरेट, मॉडरेटली हाई, हाई रिस्क एंड वेरी हाई रिस्क। तो वेरी हाई रिस्क जो है अभी जो है इन्होंने लॉन्च किया है। अभी क्या करना है कि गाइडलाइन इस तरह का है कि जो ये जो है वेरी हाई रिस्क, जो जगह जगह जो है आपको म्यूचुअल फंड के ऑफर डॉक्यूमेंट में, SID में और ये सब में जगह जगह उनके जो भी प्रेजेंटेशन है उनमें इसको जो है दिखाना होगा, जिससे जो भी कोई निवेशक इसमें करता है, तो निवेशक जो इक्विटी में ऐसे ही डर के आते हैं, जो पहले बार निवेश करता है वो ऐसे ही डरा हुआ होता है, और उसको बता दीजिए वेरी हाई रिस्क है तो निवेश ही नहीं करेगा, तो ही विल लूज द अपॉर्चुनिटी टू गेन द हाई रिटर्न विच आर प्रोवाइडेड बाई मिड एंड स्मॉल कैप फंड। तो इसके लिए बेसिकली आइडिया ही है प्रेजेंटेशन का कि व्हाट इज डू यू मीन बाई रिस्क। तो रिस्को मीटर का इवेल्यूशन करना मंथली बेसिस पे, और म्यूचुअल फंड AMC सेल डिस्क्लोज द रिस्को मीटर अलोंग विद पोर्टफोलियो डिस्क्लोजर। यहाँ पे पोर्टफोलियो, वहां पे भी रिस्को मीटर बताना है। ऑल स्कीम ऑफ द रिस्पेक्टिव वेबसाइट, एम्फी वेबसाइट, 10 दिन क्लोज ऑफ ईच मंथ, हर महीने ये करना होगा। म्यूचुअल फंड सेल डिस्क्लोज द रिस्क लेवल ऑफ स्कीम एज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर अलोंग विद नंबर ऑफ टाइम्स द रिस्क लेवल हैज चेंज ड्यूरिंग द ईयर। म्यूचुअल फंड सेल पब्लिश फॉलोइंग टेबल ऑफ स्कीम वाइज चेंज। प्रोडक्ट लेवल विल डिस्क्लोज ऑन फ्रंट पेज ऑफ इनिशियल ऑफर एप्लीकेशन SID एंड KIM। कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म पे भी होगा अलॉन्ग विद इंफॉर्मेशन अबाउट दिस स्कीम। तो ये सब जगह वो एडवर्टाइजमेंट होगा, उसमें भी लगाना होगा, प्रोमिनेंटली लगाना, विजिबल होना चाहिए इन्वेस्टर की। तो आपको कम से कम 100 बार बताया जाएगा कि नहीं, ये जो अभी आप निवेश कर रहे हैं वेरी हाई रिस्क है, मगर रिस्क है तो रिटर्न है, जो जिस तरह का आपने सुना होगा, तो वो रिटर्न भी उसी में मिलता है। और रिस्क से क्या है, आपको डरना है या नहीं डरना है, किस तरह से उस रिस्क को आपको फेस करना है, तो वो इसमें जो है अभी प्रेजेंटेशन के दौरान वो चीज़ आपको थोड़ा समझ में आएगी। अभी क्या है कि जो एक मिड कैप फंड मैनेजर है और एक लार्ज कैप फंड मैनेजर है, जब आप जो कम जो एवरी 6 मंथली अम्फी जो लिस्ट जारी करती है, तो उसमें लार्ज कैप में 100 कंपनियों का नाम होता है और मिड कैप कैटेगरी में 150 कंपनी का, 101 to 250, 150 कैटेगरी मिड कैप कैटेगरी में आती है, और एक 250 के आगे जो भी कंपनी है वो स्मॉल कैप कैटेगरी में आती है। तो इस प्रकार जो लार्ज कैप का जो फंड मैनेजर है उसको अपना 80% निवेश, पहली बात तो ये कि उसको 80% निवेश अपना लार्ज कैप कंपनी में करना है आउट ऑफ 100 कंपनीज, और जो मिड कैप फंड मैनेजर है उसको 65% ही करना है, और स्मॉल कैप फंड मैनेजर को भी 65% अपना करना है स्मॉल कैप में। इसको स्मॉल कैप में आपके पास 250 एंड बियॉन्ड नो लिमिट, और मिड कैप के पास 150 कंपनियों का ऑप्शन होता है। तो स्मॉल कैप वाले के पास चॉइस काफी ज्यादा है, अगर उस
बढ़िया मार्केट में अपॉर्चुनिटी है तो उसमें निवेश कर सकता है। स्टॉक पिकिंग एबिलिटी का उसमें बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। ये अलग बात है कि लार्ज कैप में भी जो है जो 100 स्टॉक होते हैं उनमें से कुछ 20-25 स्टॉक बहुत अच्छा करते हैं और 20-25 स्टॉक बहुत खराब करते हैं। जरूरी नहीं है कोई स्टॉक लार्ज कैप में हो और अच्छा परफॉर्म करे, तो कैप से परफॉर्मेंस का कुछ लेना देना उतना नहीं रहता है। और जब भी क्या होता क्या है, ऐसे कैप में जब भी कोई स्टॉक जो है परफॉर्मेंस खराब होती है तो लार्ज कैप से मिड कैप में आ जाता है, मिड कैप से स्मॉल कैप में आ जाता है। जैसे यस बैंक का पहले कुछ दिनों में देखा होगा, अभी वापस बढ़ गया तो फिर जो है वापस जो है अपग्रेड होकर लार्ज कैप से स्मॉल कैप से मिड कैप में आ गया। तो ये चेंज होता है। तो अभी फंड मैनेजर को कैप की बजाय स्टॉक की उस पर ध्यान देते हैं, वो देते भी हैं, इस तरह का नहीं है। और ये निवेशक को उसके बारे में ज़्यादा कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो फंड मैनेजर उसका ख्याल रखते हैं। तो वो मिड कैप में अपॉर्चुनिटी ज़्यादा रहता है, इसीलिए वो अल्फा जनरेशन की पॉसिबिलिटी वहाँ पे जो बेंचमार्क के ऊपर ज़्यादा रहती है, और इसी तरह से स्मॉल कैप में और भी ज़्यादा रहती है। लेकिन ओनली थिंग क्या है, जो रिस्क जो है वोलेटिलिटी, अगर आपको कम समय के लिए निवेश करना है तो आप स्मॉल कैप मिड कैप आपके लिए उचित फंड नहीं है। तो मान लीजिए अगर आपको 5 साल से कम का समय है तो आप मिड कैप में निवेश मत कीजिए, 5 साल से ज्यादा का है तो मिड कैप में निवेश कर सकते हैं। और 5 साल के पीरियड में जो है वो आपका जो घटने की जो संभावना है वो कम हो जाए। रिस्क का मतलब यही है कि जो आपने 10,000 रुपये लगाया तो 2 दिन बाद हो सकता है आपको 9,500 हो जाए, 9,000 हो जाए, वो रिस्क होता है। 10,000 रुपया डूब जाएगा म्यूचुअल फंड में, ऐसा नहीं होता है। और वापस जो है बढ़ के वो आ जाता है। अच्छा फंड हाउस है तो अच्छा फंड मैनेजर है तो वो वापस जो है आपने ठीक ठाक अगर सोच समझ के और ठीक से चेक करके लगाया, अच्छे एडवाइजर का एडवाइस लेके लगाया या अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर के से आपने एडवाइस लिया है, तो आपको जो है अगर 10,000 का 9,000 हो गया तो वापस 11-12-15,000 भी हो जाएगा। इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसको घबरा के बेचना नहीं है। जब 10,000 का 9,000 हो गया तो बेचना नहीं है। ये म्यूचुअल फंड निवेश में आपको ध्यान रखना है। और म्यूचुअल फंड निवेश में ये एक गोल्डन रूल है कि जब आपको पैसा निवेश करना है, जैसे मान लिया 7 साल के लिए करना है या 10 साल के लिए करना है या 5 साल के लिए करना, तो 5 साल के पहले मतलब 4.5 साल के बाद ही आपको उसको देखना है। उसके पहले आपको बहुत ज़्यादा उसको देखने की और रोज रोज उसको मार्केट के घबराने की, या तो बहुत बढ़ गया हम बेच दें या घट गया तो बेच दें, उस तरह का सोचने की उतना ज़रूरत नहीं होनी चाहिए और उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। जैसे आप बेचेंगे आपका टैक्स इम्प्लीकेशन हो जाएगा। तो यही म्यूचुअल फंड का जो आपका जो टैक्स इफिशियंसी वाला जो एस्पेक्ट था वो जो है आपको मिस हो जाएगा अगर आप उसको बेच देंगे। तो बेस्ट मिड कैप स्मॉल कैप फंड जो है इनकी कहीं पे लिस्ट आपको आसानी से मिल जाएंगी। बहुत सारी लिस्ट जो आप गूगल में सर्च करेंगे तो कितनी लिस्ट मिलेंगी इसका कोई अंदाजा नहीं है, और हर एक लिस्ट अपना अपना जस्टिफिकेशन रहेगा, ऐसा नहीं कोई एक यूनिक है। तो यहाँ पर जो SIP रिटर्न के बारे में जो दिया हुआ है, ये बेस्ट फंड के बारे में जानकारी दिया हुआ था, तो इसमें क्या हुआ है कि एक 10,000 की SIP है 60 महीने की, तो 6,00,000 रुपये अगर जमा किया तो उसका कितना हुआ 5 साल के अंदर, तो ये एक्सिस मिड कैप फंड में उसका 10,16,000 हुआ, SBI स्मॉल कैप में 10,13,000 हुआ, एक्सिस स्मॉल कैप में 9,87,000 है, कोटक स्मॉल कैप में 9,57,000 है। तो इस तरह से रिटर्न में इन्वेस्को में है 9,942, मिड कैप 9,32, कोटक इमर्जिंग 9,25, इस तरह के है। तो इनमें रिटर्न कितना आता है एक्सेस मिड कैप में, ये SIP रिटर्न की बात हो रही है, 21% आपका CAGR आता है 5 साल में और 3 साल 9 महीने में डबल हो जाता है। एक्सपेंस रेशियो 0.55, एक्सपेंस रेशियो अगर आपके फंड जो अल्फा जनरेट कर रहा है तो एक्सपेंस रेशियो की आप चिंता मत कीजिए, उस चक्कर में मत रहिए, आपका फंड का एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज्यादा है और अगर वो अल्फा जनरेट कर रहा है तो आपको उसकी चिंता करने की जरूरत है। अगर मान लिया एक्सपेंस रेशियो ज्यादा अल्फा जनरेट नहीं कर रहा था तब आपको चिंता का विषय है। दूसरा जो है SBI स्मॉल कैप फंड है, उसका जो CAGR है 21% आया और जो है एक्सेस स्मॉल कैप का 19%। तो ये अभी आप देखिए कम से कम पिछले जो खराब समय रहा है उसमें भी जिन लोगों ने SIP के जरिए निवेश किया है, तो ये कम से कम 2, 4, 6, 8, 9 फंड है जिनकी 16-17% जो CAGR आपको जनरेट करके दिया है रेस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंस रेशियो। इसका एक्सपेंस रेशियो 1.17 है, फिर भी 16-17% रिटर्न जो है 4 साल 7 महीने में जो पैसा डबल करके दिया है टाटा मिड कैप फंड ने। और ओवरऑल कैटेगरी एवरेज जो है मिड कैप का SIP में वो 15.14 आया, स्मॉल कैप का 15.21 आया। तो स्मॉल कैप फंड का आप देखिए यहाँ पे वो ज़्यादा आया है, लेकिन आपको समय जो उसकी वोलेटिलिटी है, जो रिस्क है, जो हाई रिस्क जो बोला गया रिस्कोमीटर में, उसको काउंटर करने के लिए आपका अपना निवेश की अवधि बढ़ाना है
वही तरीका है। और फिर बीच में जो है उससे जो घट जाए कभी बाई चांस बाजार गिरता है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, वही आपका रिस्क कंट्रोल करने का और रिस्क को टॉलरेट करने का मैकेनिज्म आपके दिमाग में जो है फिट होना चाहिए। दूसरी जो वैरायटी है ये है, उसमें ये निप्पन इंडिया इनका 16 16 करके 13% तक का HDFC स्मॉल कैप फंड का दिया हुआ, जिसमें 4 साल 9 महीने में डबल होता है। और तो ये सब फंड दिए हुए हैं। उसके बाद DSP मिड कैप, टाटा मिड कैप, निप्पन ग्रोथ, निप्पन स्मॉल, BNP परिवास, ये सबका एक ही है और सबके यहाँ पर रिटर्न जिसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। ये सब है क्या SIP रिटर्न। अगर आपको पिछले कुछ दिनों में जो सुझाव मिली कि मल्टी कैप की रिटर्न बढ़िया है, ये है सब है, तो मल्टी कैप की रिटर्न हमने यहाँ कंपेयर किया, कुछ 20-22 मल्टी कैप फंड है यहाँ पे, इनमें से काफी सारे अभी फ्लेक्सी कैप में चेंज हो चुके हैं और इनके 2020 में जो रिटर्न है वो 22% है। कैनरा रेबेको आई थिंक ये हाईएस्ट है, 31% है पराग पारिक और यूटी इक्विटी 30% है, इस तरह का है और ऐसा ही प्लस माइनस चलता रहता। लेकिन विनर्स जो है रोटेट करते रहते हैं, आज विनर ये था तो पिछले साल में विनर दूसरा हुआ, अगले साल में विनर दूसरा हुआ, जिसे 2017 में जो कौन है एडेलविस है और इधर प्रिंसिपल है। और उसी तरह से अब 16 में देखेंगे आदित्य बिरला और ICICI प्रूडेंशियल, तो इस तरह से बदलते रहते हैं, वो एक नहीं रहेगा। तो आप जो है ये नहीं कि एक विनर से सेकंड थर्ड पोजीशन में चला गया तो आप उसको बदल दें, आप थोड़ा दिन उसको देखिए ओवरऑल अगर बेंचमार्क से कितना जो है और कैटेगरी एवरेज से कैसा परफॉर्मेंस आपको फंड दे रहा है। तो और जब मिड एंड स्मॉल कैप की हमने जो एनुअल रिटर्न जो पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न जो है वो देखते हैं, तो इसमें हमने वो फंड लिए जिनके 10 साल में हाईएस्ट रिटर्न है मिड कैप कैटेगरी के अंदर। तो ऐसे 12 फंड आपको यहाँ मिलेंगे जो ये पर्पल कलर से दिए हुए हैं और ऊपर दो हैं, लार्ज कैप का हाईएस्ट रिटर्न वाला फंड है और मल्टी कैप का हाईएस्ट रिटर्न वाला फंड है मेरा ही, और जो 10 साल में हाईएस्ट रिटर्न दिया है और इन्वेस्को। तो इनके रिटर्न देख लीजिए और नीचे वालों के रिटर्न देख लीजिए, तो किसी भी पीरियड में किसी का भी हो सकता है इनके ज्यादा मिलेंगे, बट अब ओवरऑल बेसिस जब 10 साल का रिटर्न देखेंगे, एक ही तारीख में 10 साल का रिटर्न देखेंगे 9 मार्च 2021, तो आपको पता लगेगा कि आपने कितना रिटर्न किस फंड ने डिलीवर किया है। तो साल साल का अलग हो सकता है, विनर्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो इतने आपके लार्ज कैप मल्टी कैप फंड में पैसा लगा हुआ है और बहुत सारे फंड हैं इनसे ज्यादा ही है नंबर में भी, लेकिन जब यहाँ पे ये शीट आप देखेंगे तभी आपको उसका पूरा अंदाज लग जाएगा कि जो बेस्ट मल्टी कैप लार्ज कैप फंड ने रिटर्न दिया है 15.5% पिछले 10 साल में, बेस्ट मल्टी कैप रिटर्न फंड ने दिया है 16.9%, जबकि बेस्ट मिड कैप फंड ने रिटर्न दिया 18.7% और उसका सेकंड बेस्ट 18.6, थर्ड बेस्ट 18.6, फोर्थ बेस्ट 18.4, कोटक एमर्जिंग 18 और फिर इसके अलावा नेक्स्ट आता है ये HDFC मिड कैप 18। तो ये सब जो है इनसे बेस्ट आपके जो मल्टी कैप फंड से ज्यादा रिटर्न इसमें आपको है। SBI मिड कैप 17.8, 17.6, 17.6, 17.4, 16.9, तो आपको 12 में से जो है 10 फंड ऐसे हैं जिन्होंने आपको बेस्ट मल्टी कैप फंड से बेटर रिटर्न दिया है मिड कैप कैटेगरी के अंदर। अब ये होगी मिड कैप की बात। अगर आप स्मॉल कैप में आएंगे, स्मॉल कैप में एक्चुअली स्टॉक पिकिंग स्टिल मोर इंपॉर्टेंट है, वहां पे फंड मैनेजर और फंड हाउस का सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 21.5% SBI स्मॉल कैप। मजेदार बात यह है कि SBI स्मॉल कैप आप जो इन जनरल जो सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा नहीं, और इसमें निवेश भी अभी अलाउड नहीं है, 2500 रुपए का SIP सिर्फ अलाउड है और उसके अलावा आप कोई निवेश इसमें नहीं कर सकते, बंद किया हुआ है और काफी समय से बंद था, थोड़े दिन के लिए खोला था फिर वापस से बंद हो गया, इसमें निवेश करना अलाउड ही नहीं है। एंड दिस इज द बेस्ट परफॉर्मिंग फंड। तो ये बात होती है स्मॉल कैप फंड में, अगर आपको पता है, आप कोई जानकारी है, नई जानकारी है, तो आप किसी जानकारी लेने के लिए गेट इन टच विद सम एडवाइजर, गेट इन टच विद द डिस्ट्रीब्यूटर, डोंट वरी अबाउट द ब्रोकरेज, डोंट वरी अबाउट द एक्सपेंस रेशियो, वरी अबाउट द रिटर्न, वरी अबाउट द अल्फा। तो आपको जब भी निवेश करना है तो आप चिंता कीजिए आपको अल्फा कितना मिल रहा है और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, और वो जो तरह तरह की बाजार में भ्रांतियां फैलाई जाती है कि आपका एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो फंड खराब है, या आप जो डायरेक्ट की बजाय रेगुलर में जाएंगे तो आपको फायदा नहीं होगा। तो अगर आपने एक फंड में लगाया जिसका रिटर्न 14% है और आपको एडवाइजर ने किसी ने बता दिया कि आपको 20% वाले में लगा दिया, तो आपको 6% का फायदा हो गया और आपका जो एक्सपेंस रेशियो में और इसमें कितना परसेंट, 6% का कंपाउंडिंग 10 साल के अंदर बहुत बड़ा अंतर आपका उससे आता है। तो ये थी स्टोरी, अब जो भी जानकारी थी
मिड कैप और स्मॉल कैप फंड, और कैसे उसमें निवेश करना है आपको और किस तरह से आपको जो है इनको जो हाई रिस्क कैटेगरी जो सेबी ने क्लासिफिकेशन किया जानते हुए और कैसे उसको ओवरकम करना है, ये जानकारी उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगेगा और वीडियो में दिया हुआ जानकारी आपको समझ में आए तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल जो है हमारा जो है ट्विटर पर भी जो है ये सारे वीडियो और उनसे रिलेटेड जानकारी मिलती है. दिस इज ऑल अबाउट स्मॉल बेस्ट मिड एंड स्मॉल कैप फंड. थैंक यू वेरी मच.